जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र खोजी। अभी एक वीडियो आया हमारे पास, हमारे एक भारतीय सेना के एएमसी का जवान है। जवान ने बताया कि सर मेरे घर पर, वो छुट्टी आया हुआ है जवान, और उनके घर पर पुलिस आई और उनकी भाभी, उनकी माताजी को बुरा भला बोला, उसके बाद उनके भाई को उठाकर ले गए और जिस हिसाब से उनको मारा है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ये आप उनका वीडियो देखें, किधर उनकी मारा है? भाभी और वो खुद क्या बता रहे हैं। ये वीडियो आपने, मेरी भाभी है, मेरी भाभी को भी पुलिस ने मेरे भाई को मारा और मेरी भाभी को उल्टा सीधा बोल रही थी कि तुमको भी मैं ज्यादा बोलोगे तो बोला झूठे कसम फंसा दूंगा। आप बोलिए। मेरे से बोले कि मैंने बोला कि पकड़ के लाए यहाँ पर, मैंने कहा ऐसा क्यों मार रहा है, ये झूठा केस है, जो झूठा केस लगाया गया है, तो आपने गैर फालतू में मारपीट की, मेरे से गाली गलौज करी और मेरे से घर से रुपए ले गए उठा के, और मेरे से बोले कि ज्यादा फालतू बोलेगी तो तेरे को मुंजम कर देंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पति से हाथ नहीं लगना चाहिए, आप बहुत मारपीट कर रहे हैं, ये गलत इंजाम है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। अभी इनका लगभग 2 मिनट का वीडियो और है, उसमें आखिर ऐसा क्यों है कि आज जवान की कहीं भी इज्जत नहीं है, कि जवान को मन चाहे जो एक वो समझ रखा है कि कोई भी बजा दो जवान को। बोलते ना कि गरीब की बहू सब की भाभी, वो हाल हो रखा है जवान का। हमारे खुद के अफसर, मैं लगातार 2 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे हमारे एक जवान को हमारे ही सीओ के आदेश पे, हमारे खुद के जैसे और उन लोगों ने इतना मारा कि उससे खून ही खून, जिससे तस्वीर में मैं दिखाया था, कल वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मेरी रविंद्र फौजी चैनल, इसी चैनल में डाला हुआ है कैसे मारा। उससे पहले 4 दिन पहले एक जवान को नंगा कर कर मारा था, जिसका कैसे हाल किया था, वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। यानी जवानों को फौज में हमारे अफसर मार रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो सिविल में मार खा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है, हम लोग संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं। एक का नंबर आता है उस टाइम तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, तब तो साथ देते नहीं है। जब खुद का आता है तो फिर रविंदर सर फोन नहीं उठा रहे। आज मैं कहीं सुबह से बाहर निकला हुआ था, अभी रास्ते से अभी पहुंच रहा हूं घर, खाना तक नहीं खाया हमने, वहां नॉर्मल जो भी खा पी कर पेट भरा है, पूरे दिन डोल कर अब पूछ रहे हैं, फोन लगातार सर फोन नहीं उठाते हो, मैसेज कर रहे हो, फ्री होंगे तो हम खुद ही डालेंगे। और सबसे बड़ी, हम अब जो हमें चिल्लाते बहुत दिन हो गए, अब जो हमारे नंबर हमने सेव कर रखे हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए देंगे। हम बोलते रहे कि संगठित हम शेरों का बढ़ाएंगे, गिदड़ों और कुत्तों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन नहीं है, 4 3 4 5 साल हो गए हमें कि भाई हमसे जुड़ो, मजबूत संगठन बनाओ, जब आपकी खुद की बारी आती है तो याद आता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ना तो पहले वाले अफसर हैं, पहले फौज की तूती बोलती थी, फौजी की इज्जत होती थी सिविल में, हाँ भाई फौजी छुट्टी आया है, कितनी इज्जत चलती थी, पुलिस कांपती थी फौजी के नाम से, फौजी अफसरों के नाम से, क्योंकि रॉयल और खानदानी अफसर होते थे वो, अगर जवान से काम लेते थे तो वेलफेयर भी पूरा देते थे। अगर ऐसा किस तरह किसी जवान या उनके परिवार से होता था तो वहां से पलटन से जवान और हथियार देके भेजते थे कि जा देख लेंगे, कर कर करके आ जा, पलटन में पहुंच जा। और कई जगह तो अगर नजदीकी कैंट होता था वहां से गाड़ी बेच कर, जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था, तोड़ देते थे। इसलिए डरती थी पुलिस, जब तक बोलते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसका पिछवाड़ा नहीं तोड़ोगे, बोलते ना जिसको ठोकोगे नहीं वो बाप नहीं बोलेगा, तो वो हालत हो रखी है। उनको पता है कि जवानों की इज्जत नहीं है और हमारे अफसर चूड़ियां पैर कर बैठे हैं, बाउंड्री के अंदर शेर बनते हैं, वहां जवानों को कूट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हाँ अफसर के लिए तो आज भी कहीं होता है तो भैंसू सिविल पुलिस की भी हाल खड़ा कर देगा ना, लेकिन जवान के तो बोलते कोई बात नहीं, पिट गया तो पिट गया, क्योंकि वहां भी दबा कर रखना, वहां भी क्यों, वहां हमारे को इनको मतलब जो वेलफेयर थे हमारे जवानों के वेलफेयर पे तो सारों पर रोक, दबा कर रखना, मोबाइल बंद कर दो जी, जवानों का फलाना बंद कर दो जी, ये हालत है, क्योंकि इनकी काले चिट्ठे ने खोल दें, 10 10 के इनको साइक चाहिए, सरकारी गाड़ी इनकी मैडमों और कुत्तों बच्चों को चाहिए, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए फ्री के डॉक्टर चाहिए। तो ये मतलब अपने वेलफेयर, इनके खुद के वेलफेयर तो चाहे कानूनी गैर कानूनी ले रहे हैं, लेकिन जवानों के जो वेलफेयर थे, जवानों की जो इज्जत थी, वो भाई जो भाड़ में मिला दी इन लोगों ने। इसलिए मैं जवानों को कहना चाहता हूँ, छोड़ो इनको, ना तो ये हमारे खुद के अफसर आज के काम के रहे हैं, ना ही नेता और मिनिस्टर, तो सिर्फ वादे, पता ही है शुरू से, वो तो शुरू से ही राजनीतिक तो एक झूठा वो था, सिर्फ गड़ंगा ढाणा,
झूठ फाट बोलकर कुर्सी हत्याना कि हाँ हम जवानों के लिए करेंगे फलाना, सब कुर्सी के लिए होता है, सब फिर भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं अगली बार करेंगे 5 साल बाद। तो हमारा जवानों कहना चाहता हूँ, अपनी इज्जत आपके हाथ में है, बिखर कर रहोगे तो कुछ नहीं होगा। संगठित चैनल से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, मजबूत बनो। आप जिस न्यूज की बात करते हो, बड़ी न्यूज, कोई न्यूज बिना पैसे के नहीं दिखाती, ना सरकार का या तो दबाव हो, पता है कि सरकार की वहां बीजेपी की, वहां भी सरकार, यहां भी है, सरकार के दबाव से कुछ नहीं दिखाती, पुलिस के दबाव से कुछ नहीं दिखाती। आप पैसे दे दो या तो तुरंत दिखा देंगे। तो ये सब भांड मीडिया हो रखी है, इनको बोलते ना अंधे गूंगे बहरे हो रखे हैं, जवानों का कोई इनको अत्याचार नहीं दिखाई देता। हाँ, शहीद हो जाता है तो वहां जरूर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं पब्लिसिटी के लिए। इसलिए भाड़ मीडिया को भाड़ में जाए, एक कोई बम थोड़ी है इनके पास भी, तो सिर्फ एक पब्लिक जुड़ी हुई है, वो पब्लिक आप अपने चैनल से जोड़ो। आज 3 साल की मेहनत में हमने इसको 5,65,000 पहुंचाया, अगर आप 10-10, 100-100 आदमी जोड़ो तो हम खुद करोड़ों के नजदीक होंगे, और हमारी खुद की एक ताकत होगी कि हम बोलेंगे जो ऑटोमेटिक ही न्यूज होगी। इसलिए किसी के भरोसे पर नहीं, अगर जवानों को अपनी इज्जत चाहिए तो अपनी इज्जत के लिए संगठित हो, जुड़ो हर जगह से, छोटे छोटे अपने इलाके में संगठित बना के रखो। जब आते हो ना, एक दूसरे से मिलकर संगठित रहो, सेल्फिश मत बनो कि मैं आ गया, मेरी छुट्टी काटे, मुझे क्या लेना। जब वहां फिर कांड हो जाता है, कहीं पिट जाते हो, फंस जाते हो, छोटे छोटे मामले को अपना खुद, जमीन का हो गया, भाई से झगड़ा, इनके लिए संगठित नहीं होता, इनके लिए खुद लड़ना सीखो, सबसे पहले मजबूत बनना सीखो। वीडियो में मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, मैं भी आज वैसे ही थकान में हूं। मैं चाहता इस जवान का वीडियो देखें, आप चाहते हो इसको न्याय मिले तो न्याय रविंद्र फौजी भी तोप नहीं है जो न्याय दिला देगा। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, वायरल होगा, अपना आप पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रशासन की भी आंख खड़ी होगी, और अन्यथा चादर तान कर सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आर्मी मेडिकल कोर में तैनात हूँ, कुपवाड़ा में। मैं छुट्टी आया हूँ 3-4 दिन पहले, मैं ग्वालियर में था। कल मेरे भाई को मेरे गांव चिरौल, पोस्ट कतरौल, तहसील मैगांव, जिला भिंड, थाना मऊ में, मेरे गांव के राजा सिंह और पप्पू सिंह, सो नाम क्या, महेंद्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, राजा सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते एक ढाबा पे दारू पी के चोरी का गलत इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे भाई को पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा है। जब पुलिस के पास मैं गया तो मैंने पुलिस से बात की मेरे भाई को क्यों मारा, तो अगली पार्टी जो थी, जिन्होंने हमारी झूठी रिपोर्ट लिखी, उन्होंने बोला कि पता नहीं हम तो दारू के नशे में थे, किसने चोरी की। फिर पुलिस वालों ने मेरे भाई को क्यों मारा, हम देश की रक्षा करते हैं, जब हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है तो हमारे ऐसे देश की रक्षा करने से क्या फ़ायदा। तो मेरी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे जवानों के साथ अन्याय होता है, हमारे साथ गलत होता है, हैं, पुलिस के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखो मेरे भाई को झूठी चोरी के इल्ज़ाम में बहुत बुरी तरह मारा है, आप वीडियो देखो। नीचे तरबा दिखाओ, बहुत बुरी तरह, हाँ उल्ट करके देखो, बहुत बुरी तरह मारा है मेरे भाई को। कोई सबूत नहीं, कोई क्वारी नहीं। अगली पार्टी में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने वो मुकर गए कि हमने बोला पता नहीं कौन निकाल के ले गया, शराब पी के पता नहीं कहाँ डाल के आ गए। पर पुलिस ने मारा क्यों, इतना धरंदगी वाला काम क्यों करती पुलिस। हम देश की रक्षा करें या फिर अपने परिवार को ही सुरक्षित रख पा रहे हैं, ऐसी देश की रक्षा करने से फायदा क्या है। मेरे मुख्यमंत्री से अपील है कि ये मेरा वीडियो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक वायरल होना चाहिए। थाने का एड्रेस है ग्राम चिरौल, थाना मऊ में मारा है मेरे भाई को। दोनों थे, पूरा पुलिस स्टाफ था और एक टीआई था गोरिल्ला करके, एक यादव था कोई। क्या नाम है उनका पूरा, क्या नाम है टीआई का, नाम क्या है? टीआई शंभू सिंह यादव और सब इंस्पेक्टर गोरिल्ला, इन्होंने मारा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी भाभी है, मेरी भाभी को भी पुलिस ने मेरे भाई को मारा और मेरी भाभी को उल्टा सीधा बोल रही थी कि तुमको भी मैं ज़्यादा बोलोगे तो बोला झूठे केस में फंसा दूंगा। आप बोलिए। मेरे से बोले कि मैंने बोला कि पकड़ के लाए यहाँ पर, मैंने कहा ऐसा क्यों मार रहा है, ये झूठा केस है, जो झूठा केस लगाया गया है, और आपने गैर फालतू में मारपीट की, मेरे से गाली गलौज की और मेरे से घर से रुपये ले गए उठा के,
और मेरे से बोलेगा ज़्यादा फालतू बोलेगी तो तेरे को मुंजम कर देंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पति से हाथ नहीं लगना चाहिए, आप बहुत मारपीट कर रहे हैं, ये गलत इंजाम है।